दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोग को L2D बूमर का कुछ इंटरनल कनेक्शन के बारे में, जो आपके लिए जानकारी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। अब ये हो गया हमारे वाटर पंप, दिस इज़ वाटर पंप। ये हो गया हमारे केबल ड्रम। ये हो गया हमारे सारे जितने सारे इंटरनल कनेक्शन है। ठीक है, आज मैं बस आप लोग को इंटरनल कनेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा एयर कंप्रेसर, जिसमें हमारी हवा बनती है। तो आज मैं ये आपको इंटरनल कनेक्शन के बारे में बताने जाएंगे। दोस्तों, ये हो गया हमारा सोलनाइट एंड कोयल एंड सॉकेट, जिसका कनेक्शन आता है इंटरनल कनेक्शन AC प्लस DC पैनल बोर्ड से। वो मैं आपको इस वीडियो का लास्ट में दिखाएंगे कि पैनल बोर्ड का कहाँ से इसका कनेक्शन आता है। तो ये है हमारी वाटर पंप का कनेक्शन, जहाँ से ये हमारे कॉयल है, सोलनाइट कॉयल बोलते हैं इसको, और ये है हमारी सॉकेट, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल द्वारा इसमें लाइन आने के बाद इसमें एक गेट होता है, चेक वाल्व, जो खुल जाती है। खुलने के बाद हमारी वाटर पंप चालू होना है होता है। ठीक है, इसके लिए जब तक हमारा इस कॉयल में सप्लाई नहीं आएगा, तब तक हमारा पंप नहीं चलेगी। ठीक, अगर दोस्तों कभी आप लोगों ने अगर मशीन चालू करने के बाद पाम नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग इसी को चेक करें कि इसमें लाइट आया कि नहीं। अगर लाइट नहीं आया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें बिल्कुल कनेक्शन नहीं आया और इसकी वजह से आपकी पाम नहीं चल रहा है। तो आपको इस इंटरनल कनेक्शन देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बताया उसके इंटरनल कनेक्शन, तो वहाँ का जितने सारे इंटरनल कनेक्शन है, जितना आपको दिखाया था, वो सारे इंटरनल कनेक्शन आएगा आपको ये X40, इसको बोलते हैं X40। देखिए दोस्तों, ये है X40। तो आपको इसमें नहीं आएगा, आपको आएगा इनमें से, इसी में आएगा। इसमें आपको तार का वायर का नंबर देख लेना है, तो आने के बाद इसमें आएगा। ये दिख रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको AC प्लस DC दोनों का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है DC के लिए, तो आप इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वहाँ का जितना कनेक्शन है तो यहाँ पे आएगा। तो मैं आपको जा रहा हूँ, आपकी वो कनेक्शन कनेक्शन के बारे में आपको पता हो गया कि कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। जितना इंटरनल कनेक्शन यहाँ से जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर के बारे में। दोस्तों, आपने पूरा वाटर पंप के बारे में आपको मैंने पूरा जानकारी दे दिया, और कहाँ से आपको कहाँ तक कनेक्शन है शायद आप समझ गए होंगे। आप मैं बता रहा हूँ, अगर दोस्तों अगर आप लोग को इसके बारे में अगर कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप, मैं जा रहा हूँ आपको कंप्रेसर का बारे में और PTO का बारे में। जो हमारी PTO पंप होता है, ये हो गया हमारा, बस।